हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली लोकी का फर्स्ट एपिसोड आज प्रीमियर हो गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, और ये हिंदी डबिंग में भी अवेलेबल है। तो आप लोग हिंदी डबिंग में भी ये एपिसोड देख सकते हैं। तो ये वीडियो स्पॉइलर है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे इन डिटेल्स में बात करूँगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग जाके फर्स्ट एपिसोड पहले देख लीजिए, फिर ये रिव्यू देखिए, ताकि आप लोगों को और ईजी होगा समझने में। तो मतलब फर्स्ट जो एपिसोड था, वो जिस तरीके से एंडिंग होगा वो देखने के बाद मेरा जो मतलब एक्सपीरियंस था, दैट वाज क्वाइट अमेजिंग। मैं पूरा शॉक्ड हो गया था। एंडिंग सीन जब आएगा वो देखने के बाद, इट वाज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि लोकी का फर्स्ट एपिसोड इस तरीके से धमाल से शुरू करेगा। तो अगर एपिसोड के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपको एवेंजर्स दिखाएंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने एंड गेम या इन्फिनिटी वॉर देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जब एवेंजर्स मतलब वो टेसरेक्ट हासिल करने जाएंगे टाइम ट्रेवल करके, तब लोकी वहाँ से टेसरेक्ट चुरा के वहाँ से वो गायब हो जाएगा। लेकिन गायब हो के वो कहाँ जाएगा, किस टाइमलाइन पे जाएगा, इसका किसी के पास कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन वो आंसर आपको इस एपिसोड में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टिंग होगा उसी सीन से ये एपिसोड स्टार्ट होंगे। तो 2012 का टाइमलाइन पे लोकी वो टेसरेक्ट चुरा के वो जब गायब हो जाएगा, वो एक दूसरे शहर में जाके वो टेसरेक्ट के साथ गिरेंगे। लेकिन तभी लोकी को एक ऑर्गेनाइजेशन तभी वहाँ पे जाके उसको अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि लोकी ने जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन को ब्रिज किया है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, यानी कि TVA। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो टाइमलाइन होता है वो टाइमलाइन को देखभाल करते हैं, ताकि कोई भी टाइमलाइन के साथ खिलवाड़ ना कर सके। लेकिन लोकी ने जो टाइमलाइन के साथ खिलवाड़ किया था, उसके लिए वो लोकी को अरेस्ट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन पर ले जाएगा। और तभी जैसे ये एपिसोड और बढ़ेंगे, हम लोगों को बहुत कुछ चीजें यहां पे देखने को मिलेंगे। मॉर्बियस को भी देखने को मिलेंगे। मॉर्बियस एक दूसरे टाइमलाइन पे था, तो 1858 से वो यहां पे 2012 का टाइमलाइन है, वहां से वो इस टाइमलाइन पे आ जाएगा। लोकी बीइंग द गॉड ऑफ मिस्चीफ, वो तो वहां से भागने के लिए मतलब आइडिया ढूंढ रहे थे। लेकिन TVA उतना भी लाइक वीक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि ये लोग सेक्रेट टाइमलाइंस को देखभाल करते हैं। तो दिस इज अ क्वाइट अ स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लोकी का पावर इस ऑर्गेनाइजेशन पे काम नहीं कर रहा था। लेकिन वो बहुत कुछ मिस्चीवियस एक्टिविटी करेंगे वहाँ से भागने के लिए, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो जाएंगे। तो अंत में जाके मॉर्बियस एक चीज लोकी को कहेगा, जो कि आप लोग भी सुनने के बाद यू विल बी कंप्लीटली शॉक्ड, क्योंकि मॉर्बियस यहाँ पे लोकी को बोलेंगे कि एक मिस्चीवियस वेरिएंट है जो कि बहुत खून कर रहे हैं, बहुत आदमी को मार रहे हैं, तो उसी को कब्जा करने के लिए वो लोकी से मदद मांगेंगे। जब लोकी पूछेंगे कि वो आदमी कौन है और मॉर्बियस बोलेंगे इट्स यू, तभी जो शॉक आपको मिलेंगे और तभी मतलब इस वेब सीरीज का जो देखने का जो एक्सपीरियंस लेवल हो जाएगा वो बहुत ही बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने इस तरीके का थ्योरी, इस तरीके का मतलब सरप्राइज कभी भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। सो मैं अभी भी शॉक में हूँ कि मैंने क्या देखा अंत में इस वेब सीरीज में। और फिर लास्ट में जाके आपको एक और टाइमलाइन देखने को मिलेंगे, दैट वाज आई गेस 1858। तो उसी टाइमलाइन पे एंड में एक आदमी को दिखाएगा, तो लास्ट में वो आदमी कौन था ये नहीं दिखाया, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद लोकी ही होंगे। सो ये जो एपिसोड था, दिस इज़ व्हाट आई कॉल अ कंप्लीट बैंग ऑन फ्रॉम मार्वल। मैंने मार्वल से इस तरीके का ही एक्सपेक्ट किया था व्हेन इट कम्स टू लोकी, क्योंकि लोकी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही मिस्चीवियस है, वो बहुत ही चालाक है, बहुत ही चतुर है। तो उसी के हिसाब से जो एपिसोड होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए कि आप लोग मतलब उसको देखने के बाद भी आफ्टर इफेक्ट में रहेंगे। तो सीरियसली मतलब मैं अभी भी हैरान हूँ, मैं अभी भी शॉक्ड हूँ कि इट्स लोकी वर्सेस लोकी अल्टीमेट। तो शायद हम लोगों को यहाँ पे लोकी ही एज अ विलेन देखने को मिलेंगे, जो कि शायद कोई दूसरे अल्टरनेट टाइमलाइन से होंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने थॉर का जो मूवी है, थॉर रैग्नारोक और थॉर पार्ट वन, और साथ ही साथ एवेंजर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो शायद आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिलेवेंट है उन सब मूवीज से।
जो कि आप लोगों को देखने से पता चलेगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लोगों ने वो मूवी नहीं देखा या आप लोगों ने वो मूवी का स्टोरी लाइन भूल गया तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट होगा, वैसा कुछ नहीं है। एपिसोड का जो स्क्रीन प्ले था वो बहुत ही कमाल का था। 50 मिनट्स ऑफ कंप्लीट एक्साइटमेंट, 50 मिनट्स ऑफ कंप्लीट अमेजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत ही टाइट स्क्रीन प्ले, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कैरेक्टर को बिल्डअप किया है। तो मुझे तो ये एपिसोड बहुत ही बढ़िया लगा। जिस तरीके से शुरुआत किया, नो डाउट कि लोकी जो वेब सीरीज होगा वो बहुत ही कमाल का होगा। मार्वल का आई गेस दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज टू बी एवर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि एपिसोड वन जिस तरीके से खत्म हुआ ना, सीरियसली वी कांट वेट एनी मोर टू वॉच द सेकंड एपिसोड जो कि नेक्स्ट वेडनेसडे को रिलीज होंगे। तो अगर आप लोगों ने लोकी अभी तक नहीं देखा तो जाके जरूर लोकी देख लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन बिल भी ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।